बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार। राज्य स्तरीय SCERT द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास पढ़ाई के हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती निर्मला वारी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रवेली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज कक्षा छठवीं विषय विज्ञान और पदार्थ के पृथक्करण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम आज सर्वप्रथम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके डिटेल मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सर आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे सर। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के पृथक्करण की परिभाषा, है ना। मिश्रण क्या है, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है, पृथक्करण की विधियाँ, हाथ से बिनना, कौन कौन सी विधियाँ हैं, हाथ से बिनना, चालना, उड़ावनी एवं फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, निथारना, भारण, अपकेंद्रण, छानना, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आश्वन और उधर्वपातन, इतने सारे चीज़ों को आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम क्या क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले है ये, हाँ, तो सर्वप्रथम हम पढ़ाने वाले हैं पदार्थों के पृथक्करण की परिभाषा। तो इसका परिभाषा क्या होता है, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। किसी विधि या विधियों का उपयोग करके किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करना पृथक्करण कहलाता है, है ना। तो पृथक्करण करने के लिए हम बहुत सारे विधियों का उपयोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ से उसका उसको पृथक करें, है ना। तो जैसे सारणी में मैंने कुछ उदाहरण लिया है। पहला है चावल। चावल का उपयोगी भाग क्या होगा, आप लोग भी जानते हैं और बता भी सकते हैं। तो चावल का जो उपयोगी भाग होता है वह होता है चावल, है ना। अनुपयोगी भाग या कम उपयोगी भाग क्या होता है, तो चावल में एक्स्ट्रा क्या रहता है, भूसा या कंकड़ रहता है, उसको हम खाते हैं क्या, नहीं। तो वो ये आएगा अनुपयोगी भाग में, है ना। और इसको पृथक करने के लिए कौन से विधि का उपयोग करते हैं, तो इसको पृथक करने के लिए फटकना, फटकना मतलब आप लोग घर में छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बोलते हैं फुन्ना, है ना, जो सूपा से हम फूनते हैं उसको फटकना कहा जाता है। और कंकड़ों को बीन कर, है ना, और चलनी से चाल कर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड है चाय पत्ती युक्त चाय। तो चाय पत्ती युक्त चाय का उपयोगी भाग क्या होगा, चाय होगा, है ना, चाय को पीते हैं ना, तो उसका उपयोगी भाग हो जाएगा चाय। अनुपयोगी भाग क्या होगा, भूसा और चाय पत्ती, इसका अनुपयोगी भाग क्या हो जाएगा, चाय पत्ती हो जाएगा। और इसको अलग करने की विधि, तो हम चाय पत्ती को किसके माध्यम से अलग करते हैं, छन्नी के माध्यम से, है ना। तो अलग करने की विधि में हम क्या लिख देंगे, छन्नी लिखेंगे। इसके पश्चात एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे गेहूँ है, है ना, तो गेहूँ का उपयोगी भाग क्या होगा, गेहूँ ही होगा, क्योंकि गेहूँ को हम खाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। अनुपयोगी भाग इसका क्या हो जाएगा, गेहूं के साथ क्या क्या रहता है अपशिष्ट पदार्थ, कंकड़ और उसका भूसा, तो ये हो जाएगा उसका अनुपयोगी भाग, है ना। और इसको अलग करने की विधि, तो इसको अलग करने के लिए फटकना, बिनना और चालना, इसी का उपयोग करते हैं। तो दो चार उदाहरण बच्चों आप लोग अपने से लिख सकते हैं। आगे सर करने से अगला है बच्चों, मिश्रण क्या है, है ना। तो दो तीन पदार्थ मिलकर हम उसको एक साथ मिला देते हैं तो नॉर्मल भाषा में वो मिश्रण हो गया, लेकिन उसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये है
वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के योग से बनते हैं तथा उसमें तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं शरबत। प्रायः सभी बच्चे बड़े सब शरबत बनाते ही हैं, है ना। तो शरबत बनाने के लिए हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो शरबत बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? एक तो पानी में पानी रहता है, है ना, नींबू का रस डालते हैं और शक्कर, दो तीन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, है ना। तो ये हो गया। और शरबत हम कब पीते हैं? गर्मी के दिनों में दोपहर के समय, है ना, मन को शांत रखने के लिए इसको पिया जाता है, है ना। अगला है ORS का घोल। ORS का घोल तैयार करने के लिए हम किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो इसमें नमक, शक्कर तथा पानी, तीनों चीजों को एक एक चुटकी मिला करके ORS घोल तैयार किया जाता है। और ORS घोल का उपयोग यदि किसी को दस्त ज्यादा हो रहा है इस कंडीशन में उसको पिलाया जाता है, और उसको पीने से हमारे शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है वो हमको ORS घोल से मिल जाता है, है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं अव्यय। अव्यय को परिभाषा के थ्रू यदि देखते हैं तो जिन पदार्थों से मिलकर मिश्रण बनता है उन पदार्थों को मिश्रण का अव्यय कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, जिन पदार्थों से मिलकर मिश्रण बनता है उन्हीं मिश्रण को हम क्या कह रहे हैं? अव्यय कहते हैं, है ना। तो एक उदाहरण हमने लिखा है, ठोस द्रव एवं गैसों का मिश्रण, जैसे मोटर वाहन से निकलने वाला धुआं कई गैसों का मिश्रण है, इसी प्रकार समुद्री जल भी एक मिश्रण है। तो हमने एक सरल शब्दों में सारणी में आपको बताए हैं कि वायु किन किन चीजों का मिश्रण है और जिन पदार्थों से मिलकर बनेगा उसको हम अवयव के खंड में रख दिए हैं। तो यहाँ देखिए, वायु किन किन चीजों का मिश्रण है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और धूल के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारी चीजों का ये मिश्रण है, है ना। इसको हम किस में रखेंगे? अवयव वाले कॉलम में रखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है आपका, खेत से लिया गया गेहूं। खेत से लिया गया गेहूं में किन किन चीजों का मिश्रण होगा आप भी बता सकते हैं। यदि आप किसान के बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे। तो खेत से लिया गया गेहूं में क्या क्या मिक्स रहता है? एक तो गेहूं रहेगा, है ना, कंकड़ रहेगा और उसका भूसा। तो जो पदार्थ हमने बताया उसमें उसको हम कहाँ रख देंगे? अव्यय वाले कॉलम में रख सकते हैं। तीसरा है आपका तालाब का पानी। तालाब के पानी में क्या क्या चीज मिक्स रहता है? तो तालाब के पानी में पानी रहता है, लवण की मात्रा रहती है और मिट्टी उसमें मिक्स रहता है, है ना। और अब से बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम पदार्थ ले रहे हैं, है ना। अगला है मिट्टी। मिट्टी किन किन चीजों का मिश्रण है ये तो आप सभी बता सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। मिट्टी में धूल, कंकड़, है ना, और धूल, कंकड़ और पेड़ पौधों की पत्तियां सब सड़ गल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये हो गया आपका, दो चार उदाहरण मैंने बताया। अब आगे देखते हैं, एक दो उदाहरण आप अपने से भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगला देखते हैं हम, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों, पृथक्करण की आवश्यकता तीन चीजों के लिए होती है। पहला तो है अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए, दूसरा है उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, तीसरा है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इन तीन चीजों के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए। जैसे जल संयंत्रों में नदियों के जल से घुलनशील अशुद्धियों तथा सूक्ष्म जीवों को हटाकर पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। आप शहर में रहते हैं ये बच्चे तो जानते ही होंगे, क्योंकि हम फिल्टर प्लांट से जो पानी आता है उस पानी को पीने योग्य हम कैसे ग्रहण करते हैं, है ना।
तो वहाँ बहुत सारे चीज़ों से फिल्टर करके उसको हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। तब उस पानी को हम घर में और आरओ के माध्यम से फिल्टर करते हैं या फिर उसको गर्म करके सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, तब उस पानी को पीने के लिए उपयोग करते हैं। सेकेंड है उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, जैसे समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है ना? और इस साधारण नमक का उपयोग रसोई घरों में तथा उद्योगों में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है ना? हर घरों में नमक का प्रयोग करते हैं, किचन में, ये आप सभी जानते हैं। तो ये नमक जो है हमको कहाँ से प्राप्त होती है? समुद्र से प्राप्त होती है, लेकिन हम इसको पृथक्करण करके इसको खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है बच्चों शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं गन्ने का पेड़ जो होता है, गन्ने के पेड़ से, गन्ने के रस से क्या प्राप्त होता है? शक्कर के रवे प्राप्त किए जाते हैं, है ना? और उसमें जो अशुद्धियां रहती है वो कहाँ रह जाता है? गन्ने में ही रह जाता है। और उसका जो प्योर शक्कर है, रस है, उससे हम क्या बनाते हैं? शक्कर बनाते हैं। तो ये हो गया इनका पृथक्करण की आवश्यकता इन इन चीजों के लिए होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड दो तीन प्रश्न मैंने तैयार किया है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो पहला क्वेश्चन है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? जो हमने इसके पहले बताया, पृथक्करण किसे कहते हैं, ये भी हमने एक प्रयोग के माध्यम से आगे बताएंगे। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपको हमने बता दिया। आगे से अगला है, इसका विधि, सेकंड विधि है चालना, है ना? पृथक्करण का द्वितीय विधि क्या? चालना, है ना? तो चालने के लिए हम किस किस चीजों को चालते हैं? तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, आटे को चलनी से चालकर चोकर को अलग करना चालना कहलाता है ना? इसी प्रकार हम कोई भी मटेरियल को चालते हैं और शुद्ध पदार्थ अपने पास रखते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना? तो यहाँ चालने का एक डेमो दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। आटे को हम चाल करके क्या करें, जो बारीक आटा है उसको उपयोग में ला रहे हैं और जो चोकर है उसको फेंक देते हैं। लेकिन चोकर को भी मेरे ख्याल से खाने से पाचन क्रिया बहुत अच्छा होता है, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। दूसरा है रेत चालना। तो रेत का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो मिस्त्री लोग जब भवन निर्माण करते हैं, तो भवन निर्माण के समय, है ना, हमको बारीक रेत की आवश्यकता होती है, लेकिन जब नदी नालों से रेत को लाया जाता है तो उसमें मोटे कंकड़ भी रहते हैं, है ना? तो उस मोटे कंकड़ को हम पृथक्करण करके, चाल करके उसको अलग कर देते हैं, और बारीक रेत जो है उसको हम अलग कर देते हैं, है ना? और इस बारीक रेत का उपयोग मिस्त्री लोग किस में करते हैं? भवन निर्माण में उपयोग करते हैं। तो ये हो गया चालने का दो उदाहरण। अगला है बच्चों उड़ावनी एवं फटकना। तो उड़ावनी विधि का उपयोग किसान वर्ग के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, है ना? तो धान से भूसे को पृथक करते हैं, कौन सा विधि कहलाता है? उड़ावनी विधि कहलाता है ना? तो धान में दो चीज रहता है, एक तो धान में धान भारी होता है, जो ठोस धान रहता है वो भारी होता है, लेकिन जो उसका फोकला जो रहता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, बदरा, है ना? तो ये धान को हम क्या करते हैं, धान भारी होने के कारण जमीन पर गिर जाता है और भूसा हल्का होने के कारण हवा के साथ दूर चला जाता है। इस प्रकार हम शुद्ध धान को अलग और उसके हल्के धान मतलब बदरा जो होता है उसको हम अलग कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चों उड़ावनी एवं फटकना। अगला है चुंबकीय पृथक्करण। तो
तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि चुंबकीय वस्तु क्या करते हैं, जिसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं वह चुंबक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या जानना है, चुंबकीय पृथक्करण हम कैसे करेंगे, है ना। तो यदि हम इसको परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विभिन्न पदार्थों में से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करना चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है, है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से, मैं दो चार सामान लाई हूँ तो उसको हम प्रयोग करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, उसमें पात्र में एक रेत रखा हुआ है तथा लौह के चूर्ण रखे हुए हैं, है ना। तो हम एक रेत यहाँ पे प्रयोग करके देख सकते हैं कि वास्तव में चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करता है कि नहीं। तो इसमें मैंने रेत और लौह चूर्ण, कुछ कुछ लौह चूर्ण मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि चुंबक वास्तव में चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या नहीं, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने चुंबकीय पदार्थ लिया है और अचुंबकीय पदार्थ भी लिया है। तो हम इसको डेमो करके देखते हैं, है ना। तो इसमें मैंने चुंबक ये पकड़ी हूँ हाथ में, इस चुंबक को हम क्या करते हैं, इस पदार्थ के ऊपर घुमाएंगे, है ना। और हमको ये देखना है कि ये अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं, है ना। तो देखिए हम घुमा करके देखते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैंने एक कटर लिया है, एक पिन है, एक बटन है और एक खेल, है ना। ये चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना। और यहाँ पे जो रेत है वो अचुंबकीय है, जिसके कारण इसको वो आकर्षित नहीं कर रहा है, है ना। तो रेत बस बच गया यहाँ पे, और जो चुंबकीय वस्तुएं हैं वो क्या हो गया, चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, विद्युत चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं का पृथक्करण, है ना। तो हमने कारखाने में लोहे के टुकड़े को अलग करने के लिए पदार्थ के ढेर से, है ना, लोहे को अलग करने के लिए हम विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। तो उस विद्युत चुंबक के माध्यम से पदार्थ के ढेर से हम चुंबकीय वस्तुओं को अलग करते हुए दिखा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये हो गया विद्युत चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को पृथक करना, और रेत तथा लौह चूर्ण के माध्यम से, मतलब चुंबक से उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अगला है निथारना, है ना, औषधन, और दूसरा दिया है निथारना। तो हम कुछ आवश्यक सामग्री लेते हैं कि दो बीकर, कांच की छड़, पानी और रेत। तो मैंने ये दो ग्लास लिया, है ना। इसको हम प्रयोग करके देखेंगे बच्चों। दो ग्लास लिया, ग्लास में मैंने क्या डाल दिया, एक ग्लास में मैंने रेत डाल दिया, सर पानी देंगे, एक ग्लास में मैंने क्या डाला, रेत, है ना। और इसमें मैं पानी मिक्स करके उसको छड़ के माध्यम से हिलाऊंगी, तो ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा, किसका किसका, पानी का और रेत का। ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने रेत और किसको मिला दिया, पानी को। अब हम इसको पृथक्करण करेंगे, तो इसको मैंने दोनों को मिला दिया, तो कुछ समय के लिए हम इसको ऐसे रख देते हैं, है ना। तो दोनों को मैंने रख दिया, ये मिक्स हो गया, किसका किसका मिश्रण हो गया, पानी और रेत का, है ना। तो पानी तथा रेत के मिश्रण को कांच की छड़ लेकर हिलाते हैं, कुछ समय पश्चात अवलोकन करते हैं, भारी होने के कारण रेत बीकर की तली में बैठ जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, औषधन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि औषधन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे,
भारी होने के कारण रेत बिकर की तली में बैठ जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? असाधन कहते हैं। और दूसरे बिकर में ऊपरी स्वच्छ जल इस प्रकार डालें कि तली में बैठी हुई रेत हिल ना पाए, इस विधि को निथारना कहेगा। जब ये पूरी तरह से बैठ जाएगा तो जो पानी बचेगा उसको हम क्या कर देंगे? पृथक कर देंगे, है ना। तो ये जो है आप लोग देख रहे होंगे कि रेत जो है ना, रेत जो है ग्लास के तली में, है ना, क्या हो गया? बैठ गया, और जो पानी है वो ऊपर रह गया। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम इस ग्लास से इस ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने इसको धीरे से बिना हिलाए इस पानी को इस ग्लास में डाल दी, है ना। तो आप देखिए इस दोनों ग्लास को, एक में केवल पानी दिखाई दे रहा है और दूसरे में आपको रेत दिखाई दे रहा है, है ना। तो ये हो गया निथारना का उदाहरण कि हम कैसे निथार सकते हैं दो मिश्रण से, एक मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो ये इसका डेमो है। अगला अब देखिए एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों, लेकिन इसका मटेरियल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, है ना। तो देखिए इसमें हमने लिया है एक बीकर, पृथक्कारी की स्टैंड, कांच की छड़, तेल और पानी इत्यादि हमने मटेरियल लिए हैं, है ना। अब इसका प्रयोग करते हैं हम। तो आप लोगों को एक कीप दिखाई दे रहा है, कीप की नली में ऊपर पतला सा कीप दिखा रहा है और नीचे भी, है ना। तो इस कीप के अंदर हमने क्या क्या डाल दिया? पानी और तेल को डाल करके मिक्स कर दिए। मिक्स करने के पश्चात हम उसको 2 मिनट के लिए उसको रख देते हैं। तो रखने से पानी जो तेल जो है पानी के ऊपर एक परत बना लेता है। दोनों में हमने बराबर बराबर मात्रा लिए हैं, जैसे 3 चम्मच पानी डाले तो 3 चम्मच तेल डाल दिए उसके अंदर, है ना, और दोनों को मिक्स कर दिए। तो कुछ समय पश्चात तेल जो है ऊपर एक परत बना लेता है और पानी जो है नीचे रह जाता है। दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, अब अलग अलग हो गया, तो कीप के नीचे थोड़ा सा छिद्र है, उस छिद्र के माध्यम से पानी को हम ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, जो इकट्ठा होते हैं आपको दिखाई दे रहा है ना, इकट्ठा कर लिए। उस जैसे ही पानी ग्लास के अंदर गिर जाता है तो उस कीप को हम टाइट कर देते हैं, तो तेल वाला जो हिस्सा है वो कीप के अंदर रह जाता है और पानी वाला जो हिस्सा है वो ग्लास में आ गया। तो ये हो गया पृथक्कारी कीप द्वारा हम किसको अलग कर दिए? तेल और पानी को अलग कर दिए। ये इसका प्रयोग है और आप भी घर में इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि सबके घर में पानी और तेल दोनों चीज रहता है। तो आप आज ही करके देखिएगा, और ऐसा होता है कि नहीं मुझे आप बताएंगे। आगे सर, अगला है भारण। भारण क्या होता है ये सबसे पहले आप जानेंगे। तो गंदले जल में उपस्थित मिट्टी के कण फिटकरी के कारण भारी होकर बीकर के तली में बैठ जाते हैं, इस क्रिया को भारण कहते हैं, है ना। तो इसका भी हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्या वास्तव में फिटकरी को डालने से वो वास्तव में उसका जो मतमैला पानी है वो तली पर बैठता है कि नहीं, है ना। इसको हम करके देखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं करके दिखा रही हूँ, है ना। तो ये हो गया अपने पास, ये मटमैला पानी आपको दिखाई दे रहा है ना। इस मटमैले पानी को मैं इसमें क्या डालती हूँ? फिटकरी डुबाती हूँ, है ना। जैसे हम इसमें फिटकरी को डुबा करके क्या करेंगे? गोल गोल घुमाते हैं, है ना। ये है बच्चों फिटकरी, है ना। इस फिटकरी को रस्सी में मैंने बांध दिया है और इसको मैं इस ग्लास में डुबा करके ऐसे गोल गोल घुमाती हूँ, है ना। करके देखते हैं। तो 4-5 मिनट तक ऐसा करेंगे तो करने से कुछ समय बाद ये जो मटमैला पानी है वो पूरा मिट्टी जो भारी होकर के कहाँ बैठ जाएगा? ग्लास के तली में, और पानी आपको शुद्ध दिखाई देगा। तो ये तुरंत नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा डेमो कर दिया है। थोड़ी देर बाद देखेंगे वास्तव में पानी इसका साफ होता है कि नहीं, इसके माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा, है ना।
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हो गया डेमो, है ना, भारण का। तो आपको तीन चित्र दिखाई दे रहा है, एक में गंदा जल है, दूसरा में फिटकरी से डला हुआ पानी है, और तीसरा जो है साफ जल दिखाई दे रहा है, और मिट्टी जो है ग्लास के तली में बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसका प्रयोग हम कैसे कैसे किए हैं इसको मैं बता देती हूँ। तीन बीकर लिए हैं, है ना, और एक बीकर में गंदा जल डाले, दूसरा में फिटकरी का टुकड़ा धागे में बांध करके अंदर डुबा दिए, और इसको गोल गोल भी हमने घुमाया, है ना। फिटकरी के कारण गंदे जल में उपस्थित मिट्टी के कण भारी हो जाता है और मिट्टी तली पर बैठ जाती है, यह क्रिया भारण कहलाता है। तो हम इसको 5-10 मिनट के बाद देखेंगे, ये मटमैला जो पानी है वो वास्तव में साफ हुआ कि नहीं, हम बाद में इसको दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकता है उसको यहाँ पे दिए हैं। देखिए, खदानों से प्राप्त कोयले से लोहे के टुकड़ों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो मैंने कौन सा विधि बताया था, कोई बता सकता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना। चुंबक के माध्यम से हम खदानों के लोहे को क्या कर सकते हैं, चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं। दूसरा है, मिट्टी के तेल तथा पानी के मिश्रण को आप किस विधि से पृथक करेंगे, है ना। सचित्र स्पष्ट कीजिए, तो आपको चित्र भी बनाना है, और हमने कीप में पानी और तेल मिला करके क्या क्या विधि का प्रयोग किया इसको आपको कर करके दिखाना है। अगला है बच्चों, दैनिक जीवन में निथारने की विधि द्वारा पृथक्करण के दो उदाहरण दीजिए, है ना। तो अभी हमने निथारना जो डेमो दिखाया उसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन से विधि का हमने प्रयोग किया निथारने के लिए। एक तो चलनी हो गया, और कौन सा था, मिस्त्री किससे चालता है, ये सारा विधि आप लिख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित मिश्रणों के पृथक्करण में अवयवों के किस गुण का उपयोग किया जाता है ना। तो ये भी हमने आप लोगों को बता दिया है। तो सारणी में हमने बताया, तो पहला क्वेश्चन है गेहूं तथा भूसा, इसको हम किस विधि द्वारा पृथक्करण करेंगे? तो फटक कर, बीन कर, है ना, इसका हम पृथक्करण करेंगे। लोहे का चूर्ण तथा रेत, हम इसको कैसे पृथक करेंगे? तो चुंबकीय विधि द्वारा पृथक करेंगे। नारियल के तेल एवं जल, इसको हम कौन से विधि से पृथक करेंगे? तो ये हो जाएगा निथारना, निथार करके हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, है ना। आटा एवं चोकर, इसको हम कैसे अलग करेंगे? तो इसको हम चलनी के माध्यम से चाल करके अलग करेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, अपकेंद्रण, है ना। तो इसका भी खेल गांव में बच्चों लोग खेलते हैं, है ना। तो मैं इसको एक उसके माध्यम से बताती हूँ। अपकेंद्री बल का उपयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने को अपकेंद्रण कहते हैं, है ना। तो बच्चे लोग क्या करते हैं गांव में, खेल खेल में जो गोटी होता है उसको रस्सी से बांध लेते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, है ना। तो एक ये मशीन के थ्रू घूम रहा है, तो बच्चे इसको अपने आम उसमें भी कर सकते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो एक बल महसूस होता है कि नहीं, है ना। और हमको ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई उस पत्थर को उधर से खींच रहा है ना। तो यहाँ पे जो बल लगता है वही बल क्या कहलाता है, अपकेंद्रण बल कहलाता है। ये हो गया अपकेंद्रण बल। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये आप करके देख सकते हैं, छानना, है ना। तो ये हमने फिटकरी का जो डेमो दिखाया था इसमें पानी अब थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है ना, ये धीरे 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 पूरा ही बैठ जाएगा, है ना। तो इसको हम छानेंगे कैसे? तो इसको दूसरे ग्लास में छान करके शुद्ध पानी को अलग करेंगे और मटमैला पानी को ग्लास पर ही छोड़ देंगे, है ना। तो ये क्रिया कहलाएगा छानना, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ मटेरियल लिया है ना। तो छानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो एक छन्ना कागज होता है जो आपको गोल दिखाई दे रहा है ना। तो इस छन्ना कागज को हम दो बार मोड़ते हैं, पहला मोड़ते हैं तो वो आधा दिखाई देता है, फिर
दूसरे बार फोल्ड करते हैं और उसको ऐसे खोल देते हैं ऊपरी हिस्सा को, तो वो शंकु की आकृति में आपको दिखाई देता है। चित्र में आप देख रहे हैं शंकु की आकृति। उसके बाद बच्चों एक कीप लेते हैं, उस कीप में हम उस शंकु की आकृति बनाए हुए छन्ना कागज को डाल देते हैं, है ना। अब डाल करके उस छन्ना कागज से यदि मैं इस पानी को छानती हूँ, है ना, छन्ना कागज से इस पानी को यदि मैं छानती हूँ तो क्या हो जाएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो छन्ना कागज में रह जाएगा और प्योर जो शुद्ध पानी है वो ग्लास में रह जाएगा। इस प्रकार हम इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये हो गया छन्ना, और इसी प्रयोग विधि को जिस जिसको हमने किया उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग विधि में लिखते हैं, है ना। और ये दूसरा दिख रहा है फिल्टर। फिल्टर भी एक मशीन जैसा है ना, तो इसमें भी हम गंदे पानी को छानने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें सिरेमिक कैंडल लगा हुआ होता है, यह पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है। जैसे हमने यहाँ पे फिटकरी लिया पानी को शुद्ध करने के लिए, वैसे ही वहां पे क्या लगा हुआ है, सिरेमिक कैंडल लगा हुआ है। वो अशुद्ध पानी को अपने उसमें बैठा देता है और शुद्ध पानी जो है बूंद बूंद करके नीचे तली दूसरे ग्लास में जाता है और उस पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। ये हो गया बच्चों छानना। अब अगला देखते हैं वाष्पीकरण, है ना। किसी मिश्रण के विलयन से विलायक को वाष्प के रूप में पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। तो हमने इसमें आवश्यक सामग्री क्या-क्या लिया है, पोर्सलिन प्याली या कटोरी, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, गर्म करने का साधन चम्मच, नमक तथा पानी। यहाँ पे गर्म करने का साधन उपलब्ध नहीं है, यदि फ्री फन टाइम मिलेगा तो अवश्य इसको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, नमक और क्या लिया है, नमक और पानी, है ना। अब हमको इसका वाष्पीकरण करना है ना। तो देखिए, दो नमक और पानी को एक पात्र में लिए और फिर उसको एक स्प्रिट लैम्प की सहायता से जाली जो है उसके ऊपर क्या रखते हैं, कटोरी को रख देते हैं और उसको गर्म करते हैं, है ना। 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होता है पानी खौलने लगता है और खौल खौल करके पानी जो है वाष्प का रूप धारण कर लेता है और ऊपर उड़ते जाता है। ठीक है, जितना पानी हमने कटोरी में लिया है उस पानी को पूरा वाष्प के उड़ते उड़ते तक उसको क्या करते हैं, पूरा गर्म करते हैं, तो पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है और प्याली में क्या रह जाता है, नमक, क्योंकि नमक वाष्प का रूप धारण नहीं करता इसलिए वह प्याली में ही रह जाता है। यह हो गया जल के वाष्पीकरण द्वारा साधारण नमक को पृथक करना। मतलब पानी तो वाष्प बन के उड़ गया और नमक पात्र में ही रह गया, तो ये एक दूसरे को अलग करना। तो इसको हम कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं, वाष्पीकरण की विधि द्वारा इसको हमने अलग किया। तो इसका प्रयोग विधि मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ करके आप भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं आगे से। अगला है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण में हमने क्या क्या आवश्यक सामग्री लिया है ये देखिए, है ना, कैसे क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री हमने लिया है बीकर, कांच की छड़, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, स्प्रिट लैम्प, कीप, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, कागज तथा पानी। ये बहुत सारे मटेरियल लिए हैं। और एक ग्लास में हम 1/4 पानी लेते हैं और पानी लेकर के हम इसमें नीला थोथा डालते हैं। नीला थोथा जो होता है एक ठोस पदार्थ है, वो नीले कलर का दिखाई देता है। हमारे पास मटेरियल उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देती। तो उस नीले थोथे को उस ग्लास के पानी में डालते हैं और घोलते हैं, है ना। और घोलने के बाद हम उसको क्या करते हैं, छड़ से हिलाते हैं और उसको गर्म करने के लिए वो त्रिपाद स्टैंड जो रहता है उसमें स्प्रिट लैम्प को जला देते हैं, जिससे वह गर्म होता है और हम छड़ को हिलाते रहते हैं, है ना। तो उसमें थोड़ा थोड़ा नीला थोथा और डालते हैं जब तक वह घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, इस गर्म विलयन को छन्ना कागज की सहायता से छानकर अशुद्धियां दूर करते हैं और उसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं, कुछ देर रखते हैं, है ना। तो रखने के बाद 4-5 मिनट के बाद यदि हम उस बीकर
बीकर की तली को देखते हैं, है ना, तो हमको शुद्ध नीला थोथा का क्रिस्टल स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, है ना, नीला थोथा का जो विलयन है वो, और नीला थोथा जो है वो आपको स्पष्ट नीले कलर में एक दाने के रूप में दिखाई दे रहा है, वो है आपका नीला थोथा। तो इस प्रकार हम इसको अलग कर सकते हैं, पानी और नीला थोथा को। अगला है आश्वन। आश्वन विधि में क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें भी हमने कुछ कुछ मटेरियल लिए हैं, तो इसके आवश्यक जो सामग्री है उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। कोनिकल फ्लास्क, कांच की दो बार, सम कोण पर मुड़ी हुई नली, आपको दिखाई दे रहा होगा सम कोण पर मुड़ी हुई, दो बार मुड़ा हुआ नली जो है वो है कांच की दो बार सम कोण पर मुड़ी हुई नली, कार्क, परख नली, त्रिपाद स्टैंड, गर्म करने का साधन, बीकर, नमक का विलयन और बर्फ। इतने सारे मटेरियल हमने लिया किसके लिए, आश्वन विधि का प्रयोग करने के लिए, है ना। तो जब हम इसमें क्या क्या डालते हैं, नमक का विलयन डाल करके इसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब इसको हमने गर्म किया, जो कोनिकल प्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, कोनिकल प्लास्क आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको कार्क से हम उसको बंद कर दिए हैं, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कांच की दो बार सम कोण पर मुड़ी हुई नली, है ना, और भाप उससे बाहर नहीं जाएगा। उस नली के माध्यम से आप इधर देख रहे हैं बीकर दिख रहा है ना, बीकर दिख रहा है, और बीकर में क्या डाला हुआ है, बर्फ डाला हुआ है, ठीक है, और एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, उसके अंदर जो वाष्प आएगा उसको हम इकट्ठा करेंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, हमने स्प्रिट लैम्प को जलाया, जलाने के बाद जो नमक का विलयन वाला जो पानी है वो उबलने लगा। कितने डिग्री पर उबलता है पानी, 100 डिग्री तापमान पर। तो जैसे ही उबलता है तो वहां से भाप निकलता है ना, वो भाप जो है कांच की नली के माध्यम से कहाँ इकट्ठा हो रहा है, टेस्ट ट्यूब पर इकट्ठा हो रहा है ना, और टेस्ट ट्यूब के बाहरी हिस्सा में क्या है, बीकर, बीकर में क्या रखा हुआ है, बर्फ रखा हुआ है ना, तो बर्फ जो है ठंडा होता है। तो जैसे ही गर्म भाप टेस्ट ट्यूब के अंदर आता है ना, तो वो जो बर्फ है उस टेस्ट ट्यूब ठंडा होने के कारण भाप जो है ठंडा होकर किसमें परिवर्तित हो गया, पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो देखिए बच्चों, हमने ये प्रयोग किया, तो कोनिकल फ्लास्क में नमक का विलयन लेकर गर्म करते हैं, निकलने वाली वाष्प को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित करते हैं। यह वाष्प परख नली की ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसको हमने दिखाया है ना, तथा नमक कोनिकल फ्लास्क में शेष रह जाता है। पानी के वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है बच्चों कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पानी के वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, तथा वाष्प का पुनः पानी में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं और संघनन किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके सम्मिलित परिणाम को जैसे इस विधि के द्वारा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक को हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, और विलयन क्या है। तो विलेय पदार्थ का पानी में घुलना विलेय कहलाता है, द्रव पदार्थ जिस पानी में घुलता है वह विलायक कहलाता है ना, और विलेय और विलायक के जो मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं विलयन। तो यहाँ पे विलयन को हम स्पष्ट रूप से समझ पाए, है ना। अब देखते हैं बच्चों उधर्वपातन टाइम, हाँ आगे देखिए। उधर्वपातन में हमने एक प्रयोग करके देखेंगे, इसमें हमने आवश्यक सामग्री लिया है, पोर्सलिन की प्याली, गर्म करने का साधन, कांच की त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, रुई, नमक नौशादर। तो
अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, है ना, जिसको हम नौशादर के नाम से जानते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और नमक को हम दोनों को पोर्सलिन की प्याली में रख करके गर्म करते हैं, तो दो और कीप को उल्टा उस पे पोर्सलिन की प्याली के ऊपर रख देते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है उधरोपातन की क्रिया करता है, उधरोपातन मतलब वाष्प बनाता है ना। जैसे ही हम नमक और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, तो गर्म हो करके अमोनियम क्लोराइड जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और कीप को जो हमने उल्टा रखा हुआ है, और कीप के ऊपरी हिस्सा पे हमने क्या लगा दिया, रुई का प्लग, है ना। तो जैसे ही गर्म होता है अमोनियम पिघल कर एक सफेद धुआं फेंकने लगता है, वो हो गया वाष्प हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम, और जैसे ही हम स्प्रिट लैम्प को बुझा देते हैं, तो थोड़ी देर बाद कीप से थोड़ा नीचे आ करके वो क्या हो जाता है, ठोस रूप ग्रहण कर लेता है। जो ठोस पदार्थ है वो अमोनियम क्लोराइड है, और जो नमक का चूर्ण है वो पोर्सिलिन की प्याली में ही रह जाता है। इस प्रकार हम उदरोपातन की क्रिया को समझ सकते हैं। और उदरोपातन में अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया, कीप में रह गया, और पोर्सिलिन की प्याली में क्या रह गया, नमक। तो ये हो गया उदरोपातन की क्रिया। आगे देखते हैं बच्चों, गृह कार्य के प्रश्न मैंने कुछ कुछ दिया है, तो देखिए आपको इसका उत्तर लिखना है। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को हाथ से भिनकर पृथक किया जा सकता है ना। तो इस चार ऑप्शन में से किसको करते हैं ये आपको लिखना है। दाल को धोकर साफ करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें चार ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। पहला तो फटकना, दूसरा हाथ से भिनना, चालना, निथारना। अगला है लोहे एवं कोयले के चूर्ण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से विधि का प्रयोग करते हैं। तो चार ऑप्शन है, वाष्पीकरण, फटकना, चुंबकीय पृथक्करण और निथारना। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि है कौन कौन से विधि, वाष्पण, निथारना, छानना, उदरोपातन। तो सारा चीज हमने बता दिया है, आपको इस क्वेश्चन को फिलअप करना है, कॉपी में नोट कीजिएगा और इसका आंसर लिखिएगा। इतना बोलने के पश्चात मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, समय नहीं। हेलो डे, अच्छा बचाइए क्या।